सो इन चीज़ों को जानने के लिए हमें थोड़ा सा पहले चलना पड़ेगा। हम चलते हैं सन 1800 में, जब पूरा विश्व इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को फेस कर रहा था, हर जगह इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, और उसी टाइम इंडिया में एंट्री होती है ईस्ट इंडिया कंपनी की। ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में एंटर करती है और अपने जब बिजनेस को एक्सपेंड करती है, तो उसे एक मेजर प्रॉब्लम झेलना पड़ता है, और वो होता है कम्युनिकेशन विथ इंडियन वर्कर। क्या है कि जो इंडिया के लोग थे, ओरिजिनल लैंग्वेज बोलते थे, उत्तर प्रदेश के लोग हिंदी, बिहार के भोजपुरी, तमिल के तेलुगु, ऐसे ऐसे क्या है कि बहुत उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में अलग अलग रीजनल लोग हैं, अलग अलग रीजनल लैंग्वेज बोली जाती थी। वहीं पर जो ब्रिटिशर्स थे वो इंग्लिश बोला करते थे, और काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता था दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप को लेकर। और इस गैप को कम करने के लिए ब्रिटिशर्स एक एजुकेशन सिस्टम बनाते हैं, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट सन 1835 में, जो एक्ट बनाया जाता है थॉमस मकाले के द्वारा। और इस तरह ओरिजिन होती है हमारे एजुकेशन सिस्टम का, और ओरिजिन ही देख लीजिए किस पर्पस के लिए किया गया है, और इस टाइम हम एजुकेशन किस पर्पस के लिए पढ़ रहे हैं। तो ये रही ओरिजिन की कहानी। सो मकाले के द्वारा बनाई गई एजुकेशन सिस्टम, एक मेजर उसका केवल और केवल एक ही रोल होता है कि इंडियंस को एजुकेट करना कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी में वर्कर का काम कर सकें, लेबर्स का काम कर सकें, ईस्ट इंडिया कंपनी को संभाल सकें, ईस्ट इंडिया कंपनी को ग्रो करने में हेल्प कर सकें। और जब मकाले ने बनाया एजुकेशन एक्ट, तो वो जानता था कि इंडियंस जो हैं वो काफ़ी क्रिएटिव और काफ़ी थॉट प्रोसेस रखने वाले लोग हैं, तो इनको एक ऐसे स्ट्रक्चर्ड वे में एजुकेशन दिया जाए कि ये केवल मैन मेड रोबोट की तरह बन कर पाए, क्योंकि केवल ये लोग ब्रिटिशर्स के ऑर्डर को सुन पाएँ, ब्रिटिशर्स के द्वारा दी गई रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर पाएँ, और ईस्ट इंडिया कंपनी को आगे बढ़ने में सहायता करें। और वो नहीं चाहते थे कि कोई भी व्यक्ति इंडिया का, कोई भी व्यक्ति विशेष, या फिर कोई भी जो आगे बढ़ पाए और ब्रिटिशर्स को प्रॉब्लम क्रिएट पाए। इसके लिए उन्होंने ऐसा एजुकेशन सिस्टम क्रिएट किया जो आज हम लोग उसे भी फॉलो कर रहे हैं, उसी एजुकेशन सिस्टम को हम आज भी फॉलो कर रहे हैं। और उसने प्रायोरिटी क्या रखा, पहले टेक्निकल चीज़ों को ऊपर रखा, सबसे ऊपर रखा टॉपिक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, जिस लाइक कि जो फैक्ट्री वर्क के लिए, जो कंपनी को बढ़ाने के लिए ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद उसने ह्यूमैनिटी के चीज़ों को रखा, फिर सबसे लास्ट में आर्ट का रखा। वो मकौले नहीं चाहता था कि उसके ब्रिटिश अम्पायर के आसपास इंडियन पोएट घूमे जो अपनी कविताओं से, अपने विचारों से लोगों को इन्फ्लुएंस करते फिरें, और वो लोग ब्रिटिशर्स के लिए प्रॉब्लम खड़ा कर दें। और वो नहीं चाहता था कि कोई फिलोसोफर बने, कोई पोएट बने, कोई लेखक बने जिससे ब्रिटिश अम्पायर को प्रॉब्लम हो। अगर आप गौर से देखेंगे एजुकेशन सिस्टम के इंडिया को, तो उसमें आप पाएंगे कि वो केवल और केवल रिटेनिंग द इन्फॉर्मेशन है, नॉट टू बी अंडरस्टैंडिंग द इन्फॉर्मेशन। कहने का अर्थ क्या है कि वो केवल और केवल डाटा को स्टोर करने के लिए बनाया गया है। डाटा को आप लर्न कीजिए, आप केवल और केवल उसको मेमोराइज कीजिए, नॉट टू बी अंडरस्टैंडिंग। आप उसको अंडरस्टैंड मत कीजिए। अगर आपको बोल दिया जाता है 2+2=4, तो आप केवल रट लीजिए 2+2=4। आपको इसे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि 2+2=4 क्यों होता है। और ये इस प्रकार डिज़ाइन किया गया था, और इस समय भी वही चल रहा है। हम जिस 1835 के एजुकेशन सिस्टम को बनाया गया था केवल वर्कर प्रोड्यूस करने के लिए, लेबर प्रोड्यूस करने के लिए, मैन पावर प्रोड्यूस करने के लिए, और आज भी हम उसी एजुकेशन सिस्टम को लेकर, उसी एजुकेशन स्ट्रक्चर को लेकर पढ़ रहे हैं, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम कोई नोबल पुरस्कार निकाल देंगे, कोई नोबल प्राइज हमारे देश से निकल जाएगा। हमारे यहाँ से निकलने वाले इंजीनियर्स, MBAs, डॉक्टर, वो काफ़ी हाई होंगे, उनकी एबिलिटी काफ़ी हाई होगी, उनके एजुकेशन लेवल काफ़ी हाई होगा। क्यों, जब हम खोखले डब्बे से उम्मीद कर रहे हैं कि वो एक कड़ा नारियल की तरह बिहेव करेगा, तो ये हमारी और आपकी बेवकूफ़ी है। सो अगर यहाँ तक अगर पहुँचा इंडियन एजुकेशन सिस्टम, तो अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए, क्योंकि मैं तो कोई रिसर्चर हूँ नहीं, तो जो मैं बता सकूँ, तो इसके लिए अंकित बेमन लिखते हैं अपने आर्टिकल में कि सबसे पहले इंडियन एजुकेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे बड़ा और सबसे मेजर रोल है इस पूरे स्ट्रक्चर को चेंज करना होगा। जिस स्ट्रक्चर, जिस प्रकार बनाया गया है, इस मेमोराइजिंग स्ट्रक्चर को हटा के अंडरस्टैंडिंग स्ट्रक्चर लाना होगा, प्रोसेस ओरिएंटेड से हटा के इसके स्किल ओरिएंटेड लाना होगा, और एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करना होगा जिसमें बच्चा प्रोसेस ओरिएंटेड में ना फंस के वो स्किल ओरिएंटेड में जाए, जिसमें उसका इंटरेस्ट है वो उस पार्ट में जाए, जिसमें वो रुचि रखता है उस पार्ट में जाए, न कि सिस्टम के बनाए हुए पार्ट में जाए। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है परसेप्शन, कि
क्योंकि इंडियन पेरेंट्स एक परसेप्शन बना चुके हैं कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम के सिक्स में ये पढ़ना, सेवन्थ में ये पढ़ना, एट्थ में ये पढ़ना, नाइन्थ में ये पढ़ना, ग्रेजुएशन में ये, पोस्ट ग्रेजुएशन में ये, पीएचडी में ये, और ऐसा लगता है ऐसे सीढ़ी बनी हुई, एक पहले एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, चार स्टेप, पाँच स्टेप। ऐसा नहीं करना है ना, ये स्टेप फॉलो करना है, प्रोसेस फॉलो करना है, लेकिन उस क्षेत्र में जिसमें हमारा स्किल है, जिसमें हम डेवलप्ड है, जिसमें हम कुछ करना चाहते हैं। और इसी चीज़ को गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लाने की कोशिश की, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इतने लूप होल्स हैं, इतने लूप होल्स हैं, ऐसा लग रहा है ना कि मकॉले, थॉमस मकॉले की जो एजुकेशन स्ट्रक्चर था उसी को थोड़ा सा डाइवर्स बना के हमें दे दिया गया। तो हमें ज़रूरत है कि इस सिस्टम को चेंज किया जाए और एक नए सिस्टम को प्रपोज किया जाए। और तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इंडियन, अब पेरेंट्स की बात नहीं करते, अब स्टूडेंट की बात करते हैं। जो इंडियन स्टूडेंट हैं वो अपने माइंड में एक परसेप्शन बना चुके हैं, एक थॉट प्रोसेस बना चुके हैं कि हमें केवल और केवल पढ़ना है तो जॉब पाने के लिए, हमें सिस्टम में कोई वैल्यू ऐड नहीं करना है, हम देश के लिए कुछ नहीं करना चाहते, हमें और केवल इसलिए पढ़ना है कि हमें छोटा सा जॉब मिल जाए, उस जॉब से हम पैसा कमाएं और पैसा कमा के चुपचाप ऐसे बैठे रहें। हम कोई वैल्यू ऐड नहीं करना चाहते, हमारे पास कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं, हम करना ही नहीं चाहते। और इसका सबूत भी तो है, 93% लोग अंडर लेवल हैं, लेवल के नीचे हैं। वहीं क्लास फिफ्थ के 50% लोग नॉर्मल पैराग्राफ नहीं पढ़ पा रहे, 75% लोग सवाल नहीं कर पा रहे हैं, हम एक भी नोबल प्राइज़ नहीं दे पा रहे हैं। और हम क्या कहते हैं, हम एक दिन सुपर पावर बनेंगे। सर, इस एजुकेशन सिस्टम से सुपर पावर नहीं बनेंगे। जितने लोग भी इंडिया में आज बड़े बड़े काम किए, जिसला अब्दुल कलाम हो या फिर कोई भी हो, वो इस एजुकेशन सिस्टम से नहीं बना। अगर वो भले वो इसी एजुकेशन का पार्ट रहा हो, लेकिन वो खुद को डेवलप करने के लिए, खुद को एजुकेटेड करने के लिए उस एजुकेशन के बियॉन्ड जाकर चीज़ों को पढ़ा है, चीज़ों को सीखा है। सो ये थी छोटी सी मेरी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आप कमेंट सेक्शन खुला है, आप आइए, आप अपने ओपिनियन रखिए, वीडियो के प्रति कोई बात है तो उसको रखिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।